नमस्कार। त्रिपुरा में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कुछ दिन पहले तोड़फोड़ पथराव की घटना के बाद पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल नांदेड़ में स्थिति शांतिपूर्ण है। वहां शुक्रवार को पुलिस वाहन पर पथराव की घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा वजीराबाद इलाके और देगलूर नाका में हुई। पुलिस अधिकारी ने 1,00,000 रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अनुमान लगाया है। वहीं दोस्तों, कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा निकाली गई रैलियों के दौरान शुक्रवार को महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, वसीम और यवतमाल में विभिन्न स्थानों पर पथराव हुआ था। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा निकाली गई रैलियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित रूप से आयोजित बंद के दौरान भीड़ द्वारा दुकानों पर पथराव करने के बाद शनिवार को अमरावती शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दोस्तों इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई। ये थी दोस्तों अब तक की ताजा खबरें। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।